तीसरे चरण में केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के लिए टीकाकरण खोले जाने और उनमें अलग अलग कीमतों के बाद नया फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। इसके तहत ऑनलाइन पंजीकरण कराने के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर नहीं पहुंचने के बावजूद टीका लगा हुआ दिखाया जा रहा है। इस फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए OTP को अनिवार्य बना दिया है। शनिवार से ऑनलाइन पंजीकरण कराने वालों को उनके मोबाइल पर 4 अंकों का OTP भी आएगा। टीकाकरण के पंजीकरण और सर्टिफिकेट जारी करने वाले कोविन प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी संभाल रहे नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पिछले एक हफ्ते में कई ऐसे लोगों को वैक्सीन की पहली डोज मिलने का मैसेज मिला जो वैक्सीन लेने गए ही नहीं थे। जब इसकी जाँच की गई तो पाया गया कि कुछ लोगों को ऑनलाइन पंजीकरण के बाद वैक्सीनेशन सेंटर समेत तारीख और समय भी दिया गया था, लेकिन वे किसी कारणवश वैक्सीन लेने नहीं जा पाए। इसके बावजूद निजी वैक्सीनेशन सेंटर ने कोविन प्लेटफॉर्म पर यह दिखाया कि उन्हें टीका लगा दिया गया है।